हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है किडनी सिस्ट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर किडनी सिस्ट क्या होता है? तो ये एक तरीके का फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किडनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एक किडनी में भी हो सकता है या फिर ये दोनों किडनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि किडनी में दो तरीके के सिस्ट होते हैं। फर्स्ट है सिंपल सिस्ट और सेकेंड है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। सिंपल सिस्ट एक तरीके का थिन वॉल्ड सिस्ट होता है और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये किडनी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है। पॉलीसिस्टिक कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, मतलब ये जेनेटिक में हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में ऐसा देखा जाता है कि मल्टीपल सिस्ट हो सकते हैं और ये किडनी को अफेक्ट भी करते हैं। किडनी सिस्ट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, जैसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किडनी सिस्ट स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि किडनी सिस्ट लार्ज हो सकते हैं, जैसे कि कोई टेनिस बॉल जितने लार्ज साइज़ का किडनी सिस्ट भी हो सकता है। अगर कोई सिस्ट का साइज़ बढ़ता ही जा रहा है तो वो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। इसके अलावा ये सिस्ट पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पेन भी कॉज कर सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को किडनी सिस्ट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मली अगर किसी पर्सन को सिस्ट होता है तो उसमें आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है या फिर अगर सिस्ट में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है तो पर्सन को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को फीवर हो सकता है या फिर पर्सन को पेन फील हो सकता है, और ज़्यादातर उन्हें पेन बैक साइड में हो सकता है, कमर में, या फिर ऐसे पर्सन को पेल्विस एरिया में भी पेन फील हो सकता है। ऐसे लोगों में देखा जाता है कि इनको अपर एब्डोमिनल एरिया में पेन हो सकता है या फिर इन्हें एब्डोमिनल एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा इन्हें यूरिनेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, इन्हें बार बार यूरिनेशन की कंप्लेन होती है, इनका जो मिक्चुरेशन है वो फ्रीक्वेंट होने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो यूरिन है उसका कलर डार्क हो सकता है, इनके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। अगर किसी पर्सन को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हुआ है तो उनमें काफ़ी सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें बैक साइड में या फिर फ्रंट साइड में पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पर्सन को हाई बीपी की कंप्लेन होती है, इनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है। इसके अलावा इनका जो यूरिन है उसका कलर भी डार्क हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को किडनी सिस्ट होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है कि आखिर क्या रीज़न है बीमारी होने का, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशन जेनेटिक हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी सिस्ट की कंप्लेन है तो आपको भी ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि फीमेल जेंडर को सिस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशन ओल्ड एज में होती है, जैसे कि 40 या 50 एज में सिस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप बेलाडोना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप प्लम्बम मेट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कैंथेरिस 30 या फिर आप एपोसाइनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप 4-4 ड्रॉप दिन में दो बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक। सो फ्रेंड्स, ये था किडनी सिस्ट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।